एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आप सब आशा करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर सदैव के लिए बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू ब्लॉग लेकर आए हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि हमारे घर माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे होती है और हम उस पर किस किस चीज़ का चढ़ावा चढ़ाते हैं और किस तरह से माता का पंडाल बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक फिर पीले कलर का कपड़ा जिसपे मैंने हम बनाए कि माता का आसन, और ये हमने लिए हैं आम की डंडिया जिसपे हम माता का कलश तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, और जो जो हमारे चैनल पे नए बने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, हमने एक लिया है छोटा सा पटिया, इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया, धो लिया है क्योंकि इसमें माता का आसन बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पीले वस्त्र को अच्छे से इस पट्टे पर ढक देंगे बिल्कुल फोल्ड करके। हमारे जैसा माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा कौन कौन करता है? फ्रेंड्स, अब हम इस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। चावल से बना सकते हो आप, आटे से बना सकते हो। फ्रेंड्स, अब इस पर हम बनाएंगे चावल या आटे से स्वास्तिक का चिन्ह जिस पर हम कलश भी स्थापित करेंगे। आज के दिन तो बहुत शुभ है सबके लिए, जिसमें इसमें से हम सात पत्ते तोड़ेंगे जिसको हम कलश पर लगाएंगे। कोई कोई तो पांच लगा दे, कोई कोई तीन लगा दे, पर हमारे पास शाम की पत्तियां हैं घर पर ही, तो हम सात पत्तियों को लगाएंगे। अब हम इसके लिए एक लोटे में जल भर के लाएंगे जिससे हम कलश तैयार करेंगे। आई होप सभी के यहाँ धनतेरस की ऐसी पूजा होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई नए तरीके से होती हो तो कमेंट करना, फ्रेंड्स हम भी सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने माता का आसन बना दिया है, अब हम इस पर लक्ष्मी माता का विस्थापन करेंगे, विराजमान करेंगे उनको। फ्रेंड्स देखना, देखिए हम एक आटा लिए हैं जिसे हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक। चावल से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, बट हम आटा ही लिए हैं। एक बगल ही हमको स्वास्तिक बनाना है क्योंकि हम कलश रखेंगे इस पर। और हम इस पर विराजमान करेंगे जल को। तो याद रहे फ्रेंड्स, जब भी हम कलश स्थापित करें कभी खाली नहीं करें। इसमें हम अक्षत के कुछ दाने ऐड करें, डालें, और हो सके तो आपके पास में पैसे भी डाल दें, इसमें सिक्के डाल दें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं, तो धन भी डालेंगे। और इसमें हम पत्तियों का इस प्रकार लगाएंगे।
इसमें हमको रखना है इसमें नारियल, नारियल रखने के बाद ये पत्तियाँ एडजस्ट हो जाएंगी अच्छे से। हमारी तैयारी आपके यहाँ के जैसी हो रही है, इनकी सबसे अलग है फ्रेंड्स, कमेंट करना। अब हमारे माता रानी का प्यारा सा पंडाल बनने लगा है। तो फ्रेंड्स माता का पंडाल हमने माता को बिठा दिया है। हम एक नारियल लेंगे और नारियल को ऐसा कपड़ा पहनाएंगे इस पर, और हमने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है धान की बालियां और हमारे माता रानी विस्तार माला, और उनको हम फूल माला चढ़ाएंगे और उनकी आरती। सबसे पहले पूजा मेरी छोटी सी कन्या मेरी लक्ष्मी माता है कर रही है। चरखा खाओगे? हाँ दे दो माता रानी को, चावल दो। ये वो कब? और ये मेरी आज धनतेरस की थी लक्ष्मी माता को हमने नए नए गहने पहनाए हैं। कैसा है फ्रेंड्स कमेंट करना। चांदी के गहने मेरी लक्ष्मी माता ने पहने ना बेटा। अब मेरी लक्ष्मी माता बड़ी लक्ष्मी माता को टीका लगाने जा रही है। बस लगाओ बेटा, लगा टीके माथे पे, लगा दो माता रानी के माथे पे। अब इन्होंने माता रानी को नमन करा। क्या बनाना है आपको, क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है। माता गुड़िया का सपना जरूर पूरा करेंगी ना बाबू। अब धोप दो नीचे नीचे नमके। अच्छा बाबू मेरा, तू क्या मैं कपड़े गंदे कर रहा है? मैं तेरी नाक पकड़ के पी रहा हूँ। नहीं पिए तो बन कैसे होगी? बुखार से कैसे होगी? बुखार हो गई तो ए पानी तेरे